अरमान को मिला रोहित का साथ, अभीरा की किडनैपिंग ने दोनों भाइयों को किया एक। टीवी का पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में काफी कुछ देखने को मिल रहा है। टीवी शो में दादी सा अरमान को खरी खोटी सुनाती है। दादी सा अरमान को सुनने के साथ साथ अभीरा की परवरिश पर सवाल उठाती है, लेकिन अभीरा चू भी नहीं करती, लेकिन अरमान अभीरा के लिए आवाज़ उठाता है। हालांकि अरमान का फैसला अटल है और वो अभीरा से शादी करने जा रहा है, लेकिन अभीरा आज किडनैप होने वाली है। रोहित ने रखी शर्त, ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं अरमान मंदिर के लिए निकल चुका है और अभीरा को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। रूही की हवाई उड़ चुकी है क्योंकि अरमान तो तैयार है शादी के लिए, कहीं अभीरा ना मान जाए। रूही के चेहरे की घबराहट मनीषा ने देख ली और वो समझ गई कि रूही अभीरा और अरमान के बीच आने वाली है। वहीं हंगामे के बाद दादी सा रोहित से पूजा करने के लिए कहती हैं, लेकिन रोहित मना कर देता है और दादी सा के सामने शर्त रखता है कि जब तक वो अभीरा अरमान की शादी के लिए हाँ नहीं करेंगी तब तक वो पूजा नहीं करेगा। लेकिन कावेरी का कहना है कि वो जिद पर कट, कि वो जिद भी कट, कि वो जिद में उसकी भी दादी है। रोहित कावेरी को समझाता है कि अरमान शादी के लिए निकल गया है और अब अभीरा भाभी अभी भी आपकी यहाँ का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन कावेरी को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है।